सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने लिंगर की दोस्त फेंग और उसके साथियों को बचा लिया था और शी से लड़ने के लिए एविल स्पीड लेग में आ गया था, जहां उसने जायंट गोल्डन स्पाइडर को मारा, जिससे शी भी वहां लड़ने के लिए आ गया था। और शियाओ के शिला लेग पर लड़ाई का मैसेज फैलाने की वजह से पिंक गर्ल और बाकी लोग भी वहां गए थे। फिर अब हम देखते हैं कि शियाओ और शी दोनों आपस में लड़ रहे थे। दोनों के हमलों से काफी धमाके हो रहे थे और कई सारे मैजिक की किरण फैल रही थी, इसीलिए वहाँ खड़े सभी लोग दूर हो जाते हैं। शियाओ और शी दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। ये सब दूर खड़ी पिंक गर्ल और फेरी उचन भी देख रही थी। पिंक फेरी उचन से कहती है कि शी को रियल में प्राचीन पवित्र एकेडमी से गोल्डन बॉडी फ्लूइड्स मिला था, लेकिन मुझे लगता है कि शी शियाओ के सामने नहीं टिक पाएगा, इसीलिए तुम उसे मैदान से बाहर खींच लो। तो फेरी उचन कहती है कि मेरे ब्यूटियन हॉल ने कई सारे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को भर्ती किया था और तुम जीटियन हॉल कोई देख सकती हो, उसके पास कोई एक स्टूडेंट नहीं है। तो पिंक गर्ल कहती है कि मैंने साथ देखा और मुझे महसूस भी हुआ कि शी की बॉडी में कोई सीक्रेट सुप्रीम बोन या मेडिसिन नहीं है, इसके अलावा वो अपनी प्रैक्टिस भी खुद करता है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे ब्यूटियन हॉल का आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट जल्दी शियाओ से पिटेगा और ये देखने के लिए मुझे ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा है। शी शियाओ से कहता है कि छोटे भाई, तुम्हारा बचना मुश्किल हो गया है, तुम फिर से क्यों मेरे हाथों से पिटना चाहते हो, क्योंकि एक बार जब शी के अंदर सुप्रीम बोन डाली थी तब शियाओ मर चुका था, मगर गोडेस लियो और यून फेंग ने उसे फिर से जिंदा कर दिया था। शियाओ कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऊपर गॉड का हाथ है जो तुम्हें मरने नहीं देगा। तो फिर आओ देखते हैं कि पहले कौन मरता है, और फिर से दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। शी कहता है कि अगर तुम्हारी फिर से मरने की इच्छा है तो मैं इसे फिर से पूरा कर देता हूँ। शियाओ कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम यहाँ से भाग जाओगे, मगर मुझे लगता है कि तुम लड़ने के योग्य हो, फिर मुझे भरोसा हो गया कि तुम भागोगे नहीं। शी शियाओ पर हमला करता हुआ कहता है कि तुम काफी बकवास करते हो और मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी नहीं कर सकता, और वो दोनों तेजी से एक चट्टान पर जाकर टकराते हैं। शियाओ कहता है कि तुम काफी फास्ट हो, मगर ये सब मेरी बोन की वजह से है जो तुम्हें पहले दे दी गई थी, तुम्हें अब धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। शी कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें हराना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर तुम सिंपल नहीं हो, तुम अपने शेह को कल्टीवेटिंग करके अपनी बॉडी को शुद्ध करने का प्लान बना रहे हो। तो शियाओ कहता है कि बॉडी प्रॉपर्टी एक नॉर्मल खजाना है, मगर तुम्हारी बॉडी पहले से ही खराब और कमजोर है, तुम्हें पहले से ही पता है, मगर फिर भी तुम कड़ी ट्रेनिंग करके समय को बर्बाद कर रहे हो, ये सब तुम्हारे इन्फेशनल टैलेंट की वजह से है। शियाओ और शी दोनों अपने स्पेयर निकाल कर एक दूसरे पर वार करते हैं। शी अपने वार को रोक कर कहता है कि अपनी बॉडी को क्लीन करके तुम अजय नहीं बन सकते हो, और उसके बाद भी तुम्हें मुझसे लड़ने की पावर नहीं होगी। शियाओ कहता है कि तुम्हारा सड़ा गला शरीर बस मेरी सुप्रीम बोन के भरोसे है। अपने बचाव में शी कहता है कि प्राचीन काल से दो प्यूपिल के साथ जन्म लेने वाले का शरीर रियल में कमजोर होता है, मगर फिर भी मैं तुम्हें टक्कर दे रहा हूँ। तो शियाओ काफी गुस्सा होता है और शी से कहता है कि अब तुम मान लो कि तुम कमजोर हो, और शी पर हमला करता है। शी भी शियाओ की तरफ बढ़ता हुआ कहता है कि मेरे प्यारे छोटे भाई, मेरे सबसे वीक पॉइंट मेरी आँख है, मगर इसे भी मेरी शान समझा जाता है। अब तुम बताओ कि मुझसे लड़ने के लिए तुम्हारी क्या योग्यता है। दोनों को लड़ते देख लोग बातें करते हैं कि दोनों काफी मजबूत हैं, ये इंसानों की लड़ाई नहीं हो सकती। शियाओ की स्टोन पर खड़ा होकर शी से पूछता कि तुमने जो अभी मुझ पर हमला किया था क्या ये प्यूपिल पावर है। तो शी कहता है कि सबसे सरल हमला था, डबल प्यूपिल के अनलिमिटेड अमेजिंग यूज है, तुम चाहो तो मुझसे लड़के स्लोली ट्राई कर सकते हो। शी के रिप्लाई में शियाओ कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी की तरह तुम्हारी आंखें भी कमजोर है, तुम बस मेंटल आई वाले एक लड़के हो। यह सुनकर शी को बहुत गुस्सा आता है और शियाओ से कहता है कि तुमने अब काफी बकवास कर ली है, और चेन ऑफ ऑर्डर पावर को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर एक आदमी कहता है कि इतनी कम एज में शी ने लो की पावर में महारत हासिल कर ली है। शियाओ शी की चेन को रोकने के लिए मर्जी गर्ल प्लस प्राचीन शे ट्रिक से हमला करता है। शियाओ की मर्जी पावर शी की चेन को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है, मगर उससे शी को कोई नुकसान नहीं होता। शियाओ और शी दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, तभी वहाँ एक आदमी आता है जो शी और शियाओ से कहता है कि तुम दोनों ने वाइट गॉड रियल में के बैलेंस को बिगाड़ दिया है, अगर तुम अभी नहीं रुके तो मैं तुम दोनों को इसकी सजा दूंगा। वो आदमी शियाओ और शी की स्पीड को काफी स्लो कर देता है और ने बताता है कि तुम दोनों के पास तीन ऑप्शन है, पहला तो तुम दोनों लड़ना बंद करो और यहाँ से जाओ, दूसरा कि लड़ते रहो, फिर मैं तुम दोनों को बाहर फेंक दूंगा और उन पर हमला कर दोनों को
दूर कर देता है। तीसरा कि तुम स्काई बैटल फील्ड में जाओ, यह जगह एक लेजेंडरी गोड लेवल अखाड़ा है, मगर जो लोग अपने एरिया के जीनियस नहीं है वो अखाड़े में रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। लेकिन तुम अखाड़े में लड़ते हो और जिंदा बचते हो तो तुम्हें गिफ्ट भी मिल सकते हैं। तो शी उस आदमी से कहता कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। तो आदमी बताता कि मैं युशी हूँ, साथ ही मैं इस जगह की रखवाली करता हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को भी इस जगह के नियम तोड़ने की परमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि वो जगह है जहाँ एक बार एनिमल के मिल्क से प्यार करने वाले लड़के को भगा दिया था और उसे भगाने वाला मैं ही था। तो शियाओ को पता चलता कि जब उसने रैंकिंग स्टोन को मुक्का मारा था तब इसी आदमी ने मुझे 2 साल के लिए व्हाइट गोल्ड रियल में बैन कर दिया था। शियाओ से कहता कि जब मैं अपने 10वें स्वर्गीय पद को खोलता हूँ तो मुझे उसके लिए भी व्हाइट गोल्ड रियल से गिफ्ट चाहिए, और तुम्हें रूढ़ होने की कोई जरूरत नहीं है, और आदिम डिवाइन ऑप्टेन पाने के लिए क्या गिफ्ट को जमा किया जा सकता है। तो युशी कहता कि मैंने तुमसे कहा था कि स्काई बैटल फील्ड में अपने दुश्मन को हराने पर तुम्हें गिफ्ट दिया जाएगा। तो शियाओ पूछता है कि फिर मैं स्काई बैटल फील्ड में कब जा सकता हूँ। तो युशी कहता कि उस फील्ड को फिर से एक्टिवेट होने में 1 मंथ का टाइम लगता है, उसके बाद तुम वहाँ जाकर लड़ सकते हो और अपने गिफ्ट को ले सकते हो। शियाओ से कहता कि छोटे भाई, तुम हमेशा सोचते हो कि शुद्धिकरण और आत्मा परिवर्तन के बाद तुम मुझे तुमसे लड़ने देना। शियाओ से कहता कि छोटे भाई, तुम हमेशा सोचते हो कि शुद्धिकरण और आत्मा परिवर्तन के बाद तुम मुझे तुमसे लड़ने देना। तो शियाओ कहता कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह का आदमी हूँ जो तुमसे लड़ने से डरूंगा। डिवाइन मार्टिल, सोरिंग हाई रिसोल्ट एंड डिज्नी फाइट, ये सब मेरी स्टाइल है, अब मैं तुमसे 1 मंथ के बाद मिलता हूँ। शी कहता कि मेरे सबसे छोटे और प्यारे भाई, तुमने अपने कल्टीवेशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए वाइट गोल्ड रियल के रूल का यूज किया, मगर तुम्हारा दिमाग बहुत पीछे है। और हंसते हुए कहता है कि अफसोस की बात है कि तुमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, लड़ाई में ताकत हमेशा पहले आती है। जब तुम अपने छोटे छोटे कल्टीवेशन पर उम्मीदें लगाते हो तो फिर यू हैव लेफ्ट, ये कहकर शी वहाँ से चला जाता है। शियाओ की सोल फिर से वाइट गोल्ड रियल से उसकी रियल बॉडी में आ जाती है। शियाओ के मुँह से खून निकलता है और उसे होश आ जाता है। लिंगर उसके पास दौड़कर जाती है और उसे खड़ा कर पूछती है कि क्या तुम्हें चोट लगी है और क्या तुम शी से लड़े हो। तो शियाओ कहता है कि यहाँ की हवा थोड़ी गर्म और ड्राई है, इसीलिए मैंने अनकंफर्टेबल फील किया, इसीलिए मैं वापस आ गया, मैं अब ठीक हूँ। तो लिंगर कहती है कि तुम्हारा चेहरा इतना बेकार हो रहा है, तुम ठीक कैसे हो सकते हो, तुम अब अच्छे से आराम करो और लड़ाई झगड़े की बात को भूल जाओ। तो शियाओ कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, ये सिर्फ मौत से लड़ाई नहीं है। तो लिंगर कहती है कि तुम हमेशा मेरी बात क्यों नहीं मानते हो, मैं कितनी मूर्ख हूँ जो तुम्हारी बॉडी का ध्यान रखना चाहती हूँ, और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। शियाओ को लगता है कि उसके सामने एक और समस्या आने वाली है, जिससे निपटने के लिए वो एक बड़ी सी खजाने की कड़ाई को एक्टिवेट कर ध्यान लगाने लगता है और सोचता है कि शी को हराने के लिए मुझे सफलता हासिल करनी होगी। दूसरी तरफ शी यूचन से कहता है कि मेरी राय में स्काई बैटल फील्ड एक पेच नहीं है, इसीलिए तुम इस ग्रेट कोर्स का पता अर्थ एंड हेवन के डिवाइड होने से पहले लगाओ। फेरी कहती है कि स्काई रिपेयर ट्रिक मेरे होल की सीक्रेट ट्रिक है और कम समय में तुम्हें काफी अचीवमेंट को टच किया है, अभी 1 महीना होने में काफी समय है, मैं तुमसे जीतने की उम्मीद कर सकती हूँ। शी कहता कि सीधी लड़ाई में मैं जरूर जीतूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि छोटा भाई कितनी ट्रिक का हाइट रखता है। दूसरी तरफ शियाओ अभी भी स्टोन वेल ट्रिक को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता था, इसलिए ध्यान लगाकर उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है और स्टोन वेल को प्राचीन शेयर प्लस ब्लू इसके लीगल से मर्ज करने की कोशिश करता है, जिससे कि उसे ही झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी शियाओ को किसी के आने का एहसास होता है, तभी शियाओ देखता है कि वहाँ अग्नि सम्राट है और उन्हें नमस्ते करता है। सम्राट कहते हैं कि तुम मुझे जानते हो। तो शियाओ कहता है कि आपको छोड़कर ऐसी पावर पूरे यूनिवर्स में किसी के पास नहीं है, आपके हर स्टेप अग्नि सम्राट की इस पुश्तैनी जमीन पर पावर पैदा कर सकता है। सम्राट शियाओ से कहता है कि तुम स्मार्ट लड़के हो, मैं बस यहाँ फायर किंगडम के स्टूडेंट का शुक्रिया अदा करने आया हूँ, क्योंकि तुमने ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन से सभी को बचाया है। शियाओ कहता कि आपको आभार व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस लिंगर से वादा किया था, इसीलिए मैंने बाद वाले फॉर्मेशन को नष्ट कर दिया था जो कि आपके स्टूडेंट थे। अग्नि सम्राट अपनी जगह से गायब होकर कहते हैं कि मैं अग्नि एम्पायर का सम्मानित सम्राट हूँ, तुम्हें हमेशा यहाँ के लोगों को फॉलो करना चाहिए और तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। और वो शियाओ पर हमला करते हैं, जिसे देखकर शियाओ 10वें स्वर्गीय पद के रास्ते को खोल देता है और उनके वार को रोकने की कोशिश करता है। यह देखकर सम्राट कहते हैं कि मैं अपने साम्राज्यवादी दबाव का सामना कर सकता हूँ। यह देखकर
देखकर तुम्हें कम से कम मेरे हमले से बचना चाहिए था, लेकिन फिर भी तुम पीछे नहीं हटे। शियाओ सम्राट के हमले से थोड़ा घबरा गया था और मन में सोचता है कि ऐसा करना दूसरों के लिए अपमानजनक हो सकता है, और उनसे पूछता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अग्नि सम्राट मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सम्राट पूछते हैं कि तुम अभी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो। शियाओ गुस्से में कहता है कि मैं शी को हराना चाहता हूँ। तो सम्राट पूछते हैं कि उसके बाद तुम क्या करोगे। शियाओ कहता है कि इस बार मैंने अभी सोचा नहीं। तो सम्राट कहते हैं कि तुमने सोचा नहीं या सोचना भूल गए। अगर तुम सब कुछ भूल कर बस शी को हराना चाहते हो, क्या ये तुम्हारे कल्टीवेशन पद के लिए पॉसिबल है। तभी शियाओ को कुछ बचपन के दिन याद आते हैं। सम्राट कहते हैं कि अगर तुम्हारा ध्यान हमेशा किसी ऐसी चीज पर हो जिसके रास्ते को तुम जानते हो, तो क्या तुमने सोचा है कि उसके लिए कल्टीवेशन करना तुम्हारे लिए एक अच्छा तरीका है। शियाओ को सम्राट की बातें समझ आती है और वो कहता है कि जिसे मैं खजाना ट्रिक समझ रहा हूँ वो बस जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। मुझे बस इतना ही फील करने की जरूरत है कि अगर एक मंथ बाद मुझे लड़ना है तो लड़ना है। मुझे बस अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देने की जरूरत है और साथ में मैं अपने रास्ते और मंजिलों को कैसे समझूं। जीतने के लिए मुझे दिल पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सम्राट कहते हैं कि अगर तुम्हें लड़ना है तो कुछ भी हो फिर तुम्हें लड़ने की जरूरत है। यह आत्मज्ञान की तरह ही है। ऐसा करने के बाद तुम बैटल को विन कर सकते हो। सम्राट शियाओ के सर पर अपने मैजिक साइन को फिट करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें अपने दिल को भूलने की जरूरत नहीं है। इसे अच्छी तरह महसूस करो और ये सीक्रेट ट्रिक तुम्हारे दिमाग में जमी धूल को साफ करने में तुम्हारी मदद करेगा। शियाओ के सामने अपने परिवार, टीचर एनिमी और उसके जीवन के कुछ खास पल, सभी की तस्वीरें उसे दिखाई देती है। शियाओ एक एक कर सभी को देखता है और ध्यान लगाकर ब्लू व्हेल स्किल प्लस प्राचीन शे टेक्निक को स्टोन व्हेल ट्रिक के साथ मर्ज कर लेता है। सम्राट शियाओ को बताते हैं कि तुमने अभी जो कुछ समझा है वो गोल्ड लाइट ट्रांसफॉर्मेशन फर्नेस है और ये फ्यूचर में रेनबो ब्रिज का भी आधार है, लेकिन गोड बनते समय सोचने की बात है कि बाद में धीरे धीरे तुम्हें इस रेनबो की पावर फील होगी और तुम्हारे हाथ में जो पिल पोशन है वो मेरे अग्निकुल का सीक्रेट है, लेकिन ये तुम्हारे पास है इसीलिए मैं इसमें तुम्हारे लिए और पावर भर दूंगा। और शियाओ को एक कार्ड देते हैं। शियाओ कार्ड को पढ़ता है, उसमें लिखा था कि अगर तुम बड़ी मात्रा में सनफिश चाहते हो तो दो लोकश किंग को खोजना होगा, फिर उन्हें बेड में रिफाइन करना होगा जिससे कि ये ठीक से काम करेगा। शियाओ सम्राट से पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो सम्राट कहते हैं कि लिंगर थोड़ी घमंडी है मगर वो एक नेक दिल और प्यार करने वाली गर्ल है। अगर उसे किसी दिन खतरे का सामना करना पड़े तो मुझे आशा है कि तुम उसकी मदद करोगे जहाँ तक तुम कर सकते हो। तो शियाओ कहता है कि डेजर्ट को जीतने के लिए नोबल कल्टीवेशन ही काफी है, तो क्या आपको अभी भी मेरे प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो सम्राट वहाँ से जाने लगते है और कहते हैं कि फ्यूचर की बातों की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। शियाओ कहता है कि सम्राट की आवाज काफी डरावनी है, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि रेगिस्तान में केओस फिर से हो सकता है। तब यहाँ लिंगर आकर शियाओ से पूछती है कि मुझे मेरे डेट की ब्रेथ की स्मेल आ रही है, वो कहाँ है, मगर शियाओ से नहीं बताता। तो लिंगर उससे लड़ने लगती है। शियाओ लिंगर का हाथ पकड़कर उसे थैंक्स कहता है। लिंगर कहती है कि तुम बस धन्यवाद देना जानते हो, क्या तुम अभी शी से लड़ने नहीं जा रहे हो। और शियाओ को बताती है कि तुम जानते हो कि लड़ाई करने से पहले शी ने पॉपुलर पहाड़ और रिवर को पार किया और वाटरफॉल का भी मजा लिया और साथ ही सनसेट भी देखा। मैंने पहले अपने फायर क्लोन्स मास्टर से पूछ लिया, उन्होंने बताया कि शी ने अपने दिमाग को तेज कर लिया, वो दिखने में आसान है मगर काफी डरावना भी है। और शियाओ का हाथ पकड़ कर कहती है कि तुम्हें अभी भी खुद को आइसोलेट करना होगा और लड़ने से पहले स्ट्रॉन्ग होना होगा। शियाओ कहता है कि मुझे शी से लड़ने के लिए कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम उसके बारे में बात करना बंद करो, मैं तुम्हें टेस्टी खाना खिलाता हूँ। शियाओ कुछ जंगली जानवरों को मारकर उन्हें पकाता है और लिंगर से कहता है कि मेरी नई रेसिपी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।